नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 16 अक्टूबर 2019 के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने निफ्टी का अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है। इधर देखिए, इधर जो चैनल जो है वो भी ब्रेक किया है, और इधर जो थोड़ा सा जो फ्लैग पैटर्न, जो बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है वो भी इसका इधर ब्रेक होने वाला है। तो और जो फिबोनाची लेवल भी देखेंगे तो ये 61.8% के ऊपर गया है। मैंने इधर से मतलब पकड़ा है लास्ट वीक का मंडे का डेली चार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने का भी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और नीचे आएगा तो इसका 300 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तब तो ये बुलिश हो सकता है, तब तो ये बियरिश हो सकता है फिर से। और ऊपर पहले 10,463 क्रॉस करेगा तो इधर 10,515, उधर 10,557, इधर 10,597 इतना तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही सिचुएशन है। इधर भी ये चैनल ब्रेक होने वाला है, और इधर थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न भी बनाया है, और इधर से ये क्लोजिंग दिया है 38.8% का ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसका ऊपर जाएगा तो ये 61.75 ब्रेक करेगा तो ये 750 ब्रेक करेगा तो ये 28,900 मतलब 29,000 तक जा सकता है। 29,000 ये ब्रेक करेगा तो 29,200 से 29,600 तक जा सकता है। नीचे आने से के लिए इसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, 28,200 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद 28,774, 28,700, उसके बाद 26,650 में इसका सपोर्ट है। तो इसका ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस करूँगा। इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो इधर देखिए, इधर पीसीआर रेशियो ऑलमोस्ट 1.45। तो इसका मतलब है ये इसका पीक में ऑलमोस्ट जाने का कोशिश कर रहा है। ये 1.5-1.6 तक जाके फिर ये कुछ मतलब रिट्रेस कर सकता है। तो मतलब मार्केट को कुछ 550-600 में ये रेजिस्टेंस ले सकता है। ये इधर 600 में रेजिस्टेंस है, उसका 500 में भी रेजिस्टेंस है। 500 में इसका लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। इधर 11,300 में इसका सपोर्ट है इधर पुट साइड में। तो इसका इधर देखिए, जो ओपन इंटरेस्ट जो 935 मतलब इधर जो है, और इधर जो ओपन इंटरेस्ट है, इधर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इधर मतलब शॉर्टिंग हो रहा है। तो इधर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट इतना इधर फिर कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग ज़्यादा ही होने का ज़्यादा चांस है, और मतलब निफ्टी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का मैंने देखूंगा तो इसका पीसीआर रेशियो ऑलमोस्ट 1.17, ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाने का कुछ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इधर 29,000 में इसका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 29,000 में इसका रेजिस्टेंस है, और इधर 28,000 में इसका सपोर्ट है। इधर भी शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप है, और कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो दोनों तरीके से ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। और इधर जो ओपन इंटरेस्ट है, इधर ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है इधर इधर से इधर बहुत ज़्यादा है। तो इधर जाने का मतलब पुट राइटिंग और भी ज़्यादा हो सकता है। और इसका प्रोबेबिलिटी मैंने देखूंगा तो देखिए, ये मैंने 11,300 में इसका सपोर्ट पकड़ा, 11,500 में निफ्टी का रेजिस्टेंस पकड़ा, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी में भी इसका 28,000 में इसका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट पकड़ा, 29,000 में रेजिस्टेंस पकड़ा, तो ये भी ऊपर